स्वीडन की प्रमुख टोफिया वाहन निर्माता कंपनी हुस्क्वर्ना मोटरसाइकिल्स ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर हुस्क्वर्ना वेक्टोर के कॉन्सेप्ट वर्जन को पेश किया है। इस स्कूटर के प्रोडक्शन मॉडल पर काम चल रहा है और इसे कुछ समय बाद प्रदर्शित किया जाएगा। आकर्षक स्टाइल और स्पोर्टी लुक वाला यह इलेक्ट्रिक बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आधारित है। बजाज की तुलना में यह काफी अग्रेसिव दिखता है। हुस्क्वर्ना मोटरसाइकिल्स ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एपिलेन भी प्रदर्शित की थी। यहां जानते हैं नए इलेक्ट्रिक स्कूटर हुस्क्वर्ना वेक्टोर की खास बातें फीचर्स। हुस्क्वर्ना वेक्टोर इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन बहुत खास है। इसमें लगाए बॉडी पैनल डुअल टोन इफेक्ट के साथ आते हैं और इनका लुक काफी अग्रेसिव है। इस स्कूटर में एक बड़ा सर्कुलर हेडलाइट दिया गया है। इसके साथ ही स्कूटर के फ्रंट में लेट डीआरएलएस मिलते हैं। स्कूटर में दिया गया हेडलाइट कंपनी के ज्यादातर मॉडल में देखने को मिलता है। कंपनी की स्वर्पिलेन और विपिलेन मोटरसाइकिल में भी ऐसा ही हेडलाइट दिए गए हैं। एक्सटीरियर लुक, हालांकि ये अभी कॉन्सेप्ट मॉडल है, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन का लुक कॉन्सेप्ट वर्जन जैसा ही हो सकता है। स्कूटर व्हाइट और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है। स्कूटर के अलॉय व्हील्स पर नियो येलो हाइलाइट्स दी गई है। इससे स्कूटर का लुक और ज्यादा स्पोर्टी बन जाता है। स्कूटर के साइड पैनल पर एच की पैडिंग दी गई है। इसमें सिंगल पीस फ्लैट सीट दी गई है, जिसमें पिलियन राइडर को सफर करने में आसानी होगी। इंजन रिपोर्ट के मुताबिक केटीएम और हुस्क्वर्ना मोटरसाइकिल्स बजाज ऑटो के इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक में इस्तेमाल किए गए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएगी। बजाज पेरे मोबिलिटी प्लान के तहत इस स्कूटर का उत्पादन बजाज के प्लांट में ही होगा। इसमें फीचर्स और डिजाइन भी चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे ही दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही हुस्क्वर्ना वेक्टोर में चेतक इलेक्ट्रिक वाला ही इंजन दिया गया है। स्पीड और ड्राइविंग रेंज, कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके साथ ही यह स्कूटर फुल चार्जिंग के बाद 95 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हुस्क्वर्ना मोटरसाइकिल्स वेक्टोर स्कूटर के प्रोडक्शन वर्जन को 2022 में लॉन्च कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। एसपी टेक्निकल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताएं।